स्त्री से कितनी अग्नि परीक्षाएं लेगा, सिर्फ इसलिए कि वो अपने आप को प्रधान सेवक कहता है? सारी दुनिया के लिए, संसार के सबसे बड़े लोकतंत्र का वो प्रधानमंत्री है जो अपने देश को बदल रहा है। उसे संसार के अग्रणी राष्ट्रों की श्रेणी में लाकर खड़ा करने के लिए अथक निरंतर प्रयत्नशील है। लोग उसका गुणगान करते हुए नहीं थकते हैं। वो जहाँ भी जाता है, लोग उसके सम्मान में सिर झुकाते हैं, उसकी बात सुनना चाहते हैं। उसकी अगवानी करने के लिए अन्यान्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष सारे के सारे प्रोटोकॉल छोड़ एयरपोर्ट पर आ जाते हैं, और जब वो वापस स्वदेश लौटता है तो कुछ मान सम्मान या जो भी कुछ उसे उपहार में मिला है वो सब समर्पित कर देता है अपने देशवासियों को, 130 करोड़ देवी देवताओं को। वो कहते नहीं थकता कि वो उनका सेवक है। रात को 3 बजे लौटता है लंबी हवाई यात्रा के बाद, और फिर सुबह 6 बजे तैयार रहता है काम पर चलने के लिए। 18 घंटे 20 घंटे काम करके जब वो घर लौटता है तो उस प्रधानमंत्री आवास में वो अकेला ही होता है। कोई उसके सामने एक प्लेट रख देता होगा, उसमें खिचड़ी परस देता होगा, जिसे खा के एक गिलास पानी पी के वो अपनी कुछ घंटे की नींद लेने के लिए अपने बिस्तर पर लेट जाता होगा। सुबह के बारे में सोचते हुए, नई चुनौतियों का सामना करने के लिए, अपने विरोधियों के मनगढ़ंत झूठों का वार सहने के लिए, आतंकवाद से लड़ने के लिए, गालियों की लगातार बौछार झेलने के लिए। प्रधान सेवक, चौकीदार, ये सारे नाम उसने अपने आप ही ओढ़ लिए हैं। उसे पता था कि अगर गलती से भी उसने अपने आप को इस देश का प्रधानमंत्री कह दिया तो पहाड़ टूट पड़ेगा। लोग कहेंगे, देखो ये चाय वाला, ये मोदी अपने आप को प्रधानमंत्री समझ रहा है। ये संघ का प्रचारक जो घर घर भोजन के लिए भटकता था, इसका खुद ही सिर घूम गया है। वो प्रधान सेवक ही बना रहा, और एक सेवक की तरह हाथ जोड़े खड़ा रहा। कभी शिकायत नहीं की, पलट के जवाब नहीं दिया। यही कहता गया, ऐ मेरे मालिकों, आगे क्या हुक्म है जो बजा लाऊं। और मालिकों को देखिए, तैयार रहते हैं फरमाइश लेके। कभी मन में ये नहीं आता कि सेवक सोया कि नहीं, उसने कुछ खाया कि नहीं। वो जितनी लगन से भी अपनी ड्यूटी बजाए, शिकायतें थमने का नाम ही नहीं लेती। उल्टा, इस देश के निठल्ले, खानदानी बेईमान, लंपट, भ्रष्ट और राजनीति में अभी अभी जन्मे छिछोरे राजनीतिज्ञ भी कहते हैं कि चौकीदार चोर है। उनके भाड़े के टट्टू तालियां बजाते हैं और देश ये तमाशा देखता है। छुटबइये लफाज चुन चुन के गालियों की इजाद करते हैं हमारे प्रधान सेवक के लिए। उनके अनाप शनाप वक्तव्यों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं लेता। कितनी परीक्षाएं चाहिए इस देश को ये कहने के लिए कि हे प्रधान सेवक, हे चौकीदार, हम कृतज्ञ हैं तुम्हारे, या फिर ये देश कृतज्ञता ज्ञापन की परंपरा ही भूल गया है।